I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You मजा आया ना आपको? मुझे भी आया और आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो अभी हम कर रहे हैं व्लॉग को स्टार्ट. सो नमस्कार जी. हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल. वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे. तो आज का जो हमारा सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है. हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ. श्रीनगर से गुलमर्ग 50 किलोमीटर का ही रास्ता है. तो टाइमिंग 1.5 घंटा, अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे. और ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है. और अगर आप लोग स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग या कोई भी विंटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे जाके कर सकते हो बिल्कुल आराम से. तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुलमर्ग. और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ ये ठंड में भी स्नो कवर्ड माउंटेन्स देख के. मैं काफ़ी बार गुलमर्ग हो आ चुका हूँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. Finally people, we are here at Gulmarg. अभी phase 1 में जाएंगे gondola ride के लिए. तो अभी ये रहा व्यू. इट्स सो वंडरफुल. बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और आज के दिए सनी डे निकला हुआ है तो इस वजह से मौसम थोड़ा फील नहीं हो रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो. ये रहा जनरल काउंटर गंडोले राइड के लिए. फर्स्ट फेज में जाना है उसके लिए ये है काउंटर. तो पर पर्सन है 740. अभी खाली फेज 1 तक जा रहे हैं. और फाइनली We are here in the paradise, Gulmarg. ये रहा. ओह, वो तू मार. तेरे में बूट बनने जाएगी. जोर से मार. और जोर से. सॉफ्ट है. या कम ऑन ब्रो. और ये रहा गंडोले के अंदर से व्यू. बहुत ही ज्यादा सुंदर है. पहुंचने वाले हैं लगता है. और ये ब्यूटीफुल सा डे. चलो चलो. और ये रहा मेरा दोस्त. आहा, क्या बर्फ पड़ी इसमें.
आगे मैं कैमरा के फ्रेम में अच्छे से आ रहा हूँ तो वेल एंड गुड। तो अभी बर्फ में थोड़ी खतरनाक पागलबंदी करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ढाबा जैसे हैं, तो वहाँ पे जाके चाय वगैरह कुछ पीते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज थोड़ा सनी डे था, इसकी वजह से थोड़ा मौसम में इतनी गिरावट नहीं है, क्योंकि अभी शूज़ में जा चुकी है स्नो, अगर आपको दिख रही हो तो। ये मेरे स्नीकर्स हैं, गम बूट्स नहीं हैं, इस वजह से इनके अंदर चली गई है स्नो, क्योंकि पैर पूरा अंदर जा रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये देखो। सो हेयर आई एम, ये है पॉइंट जहाँ पे ऊपर आपको खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ये काफ़ी नॉन वेज इंडियन फूड काफ़ी है यहाँ पे, रेस्टोरेंट टाइप्स। कावा, अभी हमने कावा ऑर्डर किया है, उसको पीते हैं और आपको एक अच्छा सा टाइम लैप्स भी देंगे। तो ये रहा वन द ब्यूटीफुल व्यू, तो ये 360 व्यू आपके लिए। हेलो पीपल, तो आई होप कि मैं दिख रहा हूँ। तो ये रहा जो ब्यूटीफुल व्यू है पीछे, तो ये पूरी तरह गर्मियों में मैंने जो वीडियो बनाई थी ये उस टाइम पूरा ग्रास दिख रहा था, पर अभी के टाइम फुल्ली कवर्ड है ये स्नो से। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, वो रही मोबाइल्स एंड ऑल दैट। तो ये रहा ब्यूटीफुल व्यू, और आज सनी डे है तभी सब कुछ ज़्यादा अच्छा अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे पार्टनर्स बुला रहे हैं हमें खाने के, सॉरी चाय पीने के लिए। ओह, और ये कमीना, और ये मेरा हमेशा चोर दोस्त, चोर नहीं है, क्या करें, ठंडा, ये मेरा कावा। सो फाइनली शाम को थोड़ा रोड डेंजरस हो जाता है, जिस वजह से अभी हम निकल रहे हैं। अभी सूरज ऊपर ही है तब भी हम निकल रहे हैं। टाइम शायद 4 हो रहे हैं, 4 PM। उसके बाद रोड थोड़ा डेंजरस हो जाता है, जिस वजह से ये ब्यूटीफुल सा व्यू छोड़ के जाना पड़ रहा है। मन तो नहीं कर रहा फिर भी जाना पड़ेगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना, और सर्दियों में, विंटर सीजन में आप ज़रूर यहाँ आना। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल।